Assalamu alaikum guys, this is Maz Qureshi with another topic. I tried to go online and teach you this topic, but there was a lot of buffering. So aaj hamara topic hai sleep cycles, pathology and treatment. So hum topic without any wasting any time, agar aapne mera lecture liya ho to aapko pata hoga ki there are many nuclei in the hypothalamus. For example, aapke paas paraventricular aa jata hai, anterior hypothalamus nuclei aa jata hai, jo ki maine dolan se aap log ko agar yaad ho agar previous lecture mein, to that is related with cooling. Uske सामने ही जो है वो प्री ऑप्टिक आपके पास आ जाए, जो कि आपके पास रिलेटेड होता है GnRH यानी गोनेड्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन. उसके बिल्कुल नीचे आपका जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि स्लीप के साथ रिलेटेड है, दिस इज नोन एज सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस. एंड यू कैन रिमेंबर दिस बाय एन इंपॉर्टेंट नेमोनिक जो कि बहुत आसान है. यू कैन बी कैरिज्मेटिक सही है इफ यू हैव इनफ स्लीप. ठीक है, दिस कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल क्लॉक और मास्टर क्लॉक, यानी कि आपके पास 24 आवर की जो सर्केडियन रिदम होता है, दैट इज व्हाट इट कंट्रोल्स. एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका ये कैसे कंट्रोल करता है, बेसिकली इसका रेटिना के साथ ताल्लुक है. और रेटिना पे अगर आपके पास लाइट नहीं आ रही सही, तो आपको डार्क जो है डार्क इन्वायरमेंट में कम अज कम रहना पड़ता है. दैट इज वाई वी आर मोर स्लीपी एट नाइट एंड मच एक्टिव एट द डे. सो इसके कुछ टाइप्स हैं जो कि आपको मैं आसान करके बताता हूँ. व्हेन यू आर एक्टिव सही है, व्हेन यू आर एक्टिव सो योर आईज आर बेसिकली ओपन. ठीक है, एंड दैट इज व्हिच आई जस्ट शोड यू हेयर. और इसमें आपके पास जो होते हैं वो बीटा वेव्स हो जाती हैं सही है ऑन EEG. और फिर आप क्लोज करते हो, आप रिलैक्स करते हो, थोड़ा मेडिटेट करते हो इस तरह, तो आपका जो है वो बी से अल्फा स्टेट में चला जाता है. देन ये जब आप क्लोज कर लेते हो एंड ये इसका पाथवे टूवर्ड्स द स्लीप या ड्रीमिंग, इसके लिए आपको ये दो जो इम्पॉर्टेंट मैंने क्लासिफिकेशन बताई हैं, टू क्लासिफिकेशंस जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आपकी आईज जो हैं वो नहीं मूव होती, और जो रैपिड आई मूवमेंट है इसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाती है ड्यू टू PPRF यानी कि पैरामीडियन पॉन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सही है. तो रैपिड आई मूवमेंट आपके पास आ जाता है. सो अगर हम इसको विदाउट एनी डिले अगर इसको हम डिवाइड करें, इट इज़ डिवाइडेड इन टू N1, N2, N3 सही. तो N1 बेसिकली इज रिलेटेड विद वेरी लाइट स्लीप जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और इट इज़ डिनोटेड बाय द थीटा वेव्स ऑन EEG ठीक है. एंड या इट इज़ बेसिकली अल्टर द अल्फा आई, ये जो है अल्फा के बाद ही होता है सही है. अल्फा स्टेट जो कि हमारे पास क्लोज आइज का था, दैट इज़ उसके बाद हमारे पास होता है एंड इट इज़ लाइट स्लीप सही है N1. N2 थोड़ा सा डीपर चले जाता है सही है, डीपर बंदा है थोड़ा, लेकिन ये है कि ये अभी थोड़ा मेच्योर नहीं हुआ. जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पजेज, इसमें जो है दो कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम जो है वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपके पास, और स्पिंडल्स जो हैं आपके पास स्लीप स्पिंडल्स हो जाते हैं. इसमें कोई थीटा कोई वेव्स और ये नहीं होते, लेकिन EEG में आपके पास पोटेशियम सॉरी के कॉम्प्लेक्सेस नॉट पोटेशियम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और स्लीप स्पिंडल्स होते हैं. एंड जो बच्चे आपने देखे होंगे कि भाई अपने टीथ ग्राइंडिंग करते हैं जिसको हम ब्रूसिज्म कहते हैं, दैट इज़ What happens in N2 N3 की तरफ आते हैं, थोड़ा सा डीप स्टेट है आपके पास, और इसमें आपके पास जो वेव होगी ऑन EEG दैट वुड बी डेल्टा. एंड यू कैन रिमेंबर ऑल दीज बाय अ नेमोनिक विच इज नोन एज बैट्स ड्रिंक ब्लड, जो कि मैंने आसान करके दिया है. एंड आई हैव रिटन इन रेड ताकि आप लोगों के लिए आसान हो, हाईलाइटेड हो. व्हेन यू हैव ओपन आईज इट्स बी, एंड व्हेन दे आर क्लोज्ड दे आर अल्फा. फिर आपके पास टी थीटा यानी कि N1 आ जाता है आपके पास सही है.
और उसके बाद आपके पास एस यानी कि स्पिंडल, स्लीप स्पिंडल्स यानी कि एन टू, फिर आपके पास जो डीपेस्ट स्टेज है दैट इज एन थ्री, बी की तरफ आते हैं जो कि रेम स्लीप है, दिस इज ऑल्सो बीटा, ठीक है। और डीपेस्ट स्टेट में आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले जो आपके पास स्लीप वॉकिंग है आपका, ये आपका होता है, और इसके अलावा जो एल्डरली में होता है एन थ्री का स्टेज, इसकी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है इन एल्डरली। सो इन एल्डरली नॉन रेम आर थ्री प्लस आर ई एम इज शॉर्ट, स्लीप वॉकिंग हो जाएगी इसमें। और क्या चीज़ें हो जाएंगी इसमें, बेड वेटिंग जिसको हम नॉक्टर्नल जो आप लोगों को सही लगे प्रोनाउंस करते हुए, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, बट द थिंग इज कि दे आर बिट क्या नाम है एडिक्टिव, सो दे आर गिवन लेस देन 34 or 35 days और सो एंड इसमें इसके अलावा इसमें हम नाइटर्स भी देख सकते हैं, जो नाइटर्स जिनको होते हैं, तो ईईजी में आपके पास ये होगा, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका जो है ये स्टेज थोड़ा कम होता है, बेंजोज के साथ आपका ये स्टेज कम हो जाता है। सो वी कैन गिव बेंजोज टू दोज हु चिल्ड्रन हु हैव बेड वेटिंग, रात को जो जिनसे पेशाब निकल जाता है, दैट्स नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, TCA भी दे सकते हैं। इसकी ऑल्सो ट्रीटमेंट हम थोड़ा सा आगे भी बताएंगे, और दिस इज बाय दिस वी कम टू आफ्टर दिस वी कम इनटू रैपिड आई मूवमेंट जो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई यील्ड, एंड इन दिस वी ड्रीम, सही है। सो दिस इज नॉट लाइक द नाइट टेरर्स एंड अनलाइक द एन थ्री जहाँ पे आपके पास नाइट टेरर्स होते हैं, दे आर हेयर यू कैन ड्रीम गुड और बैड। तो अगर आपके पास MCQ फॉर एग्जांपल आ जाता है कि भाई व्हाट आर बैड ड्रीम्स, सो यू विल क्लिक द REM ऑप्शन इन योर पेपर, ठीक है। एंड कमिंग विदाउट एनी फर्दर डिले, हम REM जो है वो बेसिकली कंट्रोल्स PPRF जो कि मैंने आपको कहा कि पॉन्टाइन कंट्रोल करता है आपके पास पॉन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, विच कैन बी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसका मीनिंग है पैरामीडियन पॉन्टाइन, ठीक है, सॉरी पैरामीडियन पॉन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, सही है, दिस इज़ व्हाट इट कंट्रोल्स, ठीक है। और जब भी कभी आपके पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ आईज होगी दैट वुड बी कंट्रोल्ड बाय PPRF, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ बीटा। एंड आपके पास इन मेल्स इरेक्शन भी हो सकता है और इन फीमेल्स क्लिट टोरस इरेक्शन भी हो सकता है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपके पास लॉस ऑफ मोटर फंक्शन जो होगा, यहाँ पे आप लोग मूव नहीं कर सकते, दैट इज़ व्हाई व्हेन यू ड्रीम एंड वी हैव बैड ड्रीम, तो हम हिल नहीं सकते अपनी जगह से। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे वेगल जो स्टिमुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ वाई इट इज़ पैरासिम्पेथेटिक प्रीडोमिनेंट, ठीक है। एंड अगर हम इस पूरी साइकिल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करें तो दिस इज़ फर्स्ट बीटा जो कि ओपन आइज में होती है, फिर हमारा अल्फा में चला जाता है, अल्फा के बाद हमारे पास N1 में आ जाता है, N2 एंड N3 एंड फिर हमारा दिस इज नॉन रेम और आपके पास इसके बाद रेम में आ जाता है। और इसके अलावा हम ये जो है आपके पास रेम नॉन रेम तक आपके पास ये फर्स्ट साइकिल हो गया या फर्स्ट हाफ हो गया एंड रेम का आपका सेकंड हाफ हो गया, ठीक है। सो ये आपका जो है बेसिक व्हाट फिजियोलॉजी है एनाटॉमी है ऑफ स्लीप। Coming to, if you want to check out the second, the pathologies of this video, check out the link below, ठीक है? If you like this video, give a thumbs up, and I would not miss the second video, which is on the pathologies and the treatment of the pathologies. Thank you for watching, and if you haven't subscribed to my channel on YouTube, do subscribe it, and do give me a comment, do give a review on my Facebook page, MSQ Productions, and you can also DM me on Instagram, Dr. Gentleman. Thank you for watching. Do check out the second video which I'm just going to make in another video. Thank you so much. Get it? Got it? Good.